हे दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कल हमने एक आपको क्वेश्चन दिया था DIY पर, डू इट योर सेल्फ पर। तो क्वेश्चन ये था कि एकाधिकेन पूर्वेण की हेल्प से आपको सब्ट्रैक्शन करना था। तो एक बार फिर छोटा सा रिविजन करते हैं। अगर आपका आंसर सही हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दीजिएगा आप। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। वी नो दैट इट्स नॉट पॉसिबल, देन वी हैव टू टेक परम मित्र डिजिट ऑफ 4। वी नो दैट परम मित्र डिजिट ऑफ 4 इज 6। देन वी हैव टू 6 प्लस 3, दैट इज 9। इफ वी यूज परम मित्र डिजिट देन वी हैव टू टेक एकाधिकेन पूर्वेण साइन हेयर। नाउ नंबर विल बी 5 प्लस 1 6। नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम 2, इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। देन परम मित्र डिजिट ऑफ 6 इज 4। देन 4 प्लस 2, दैट इज अगेन 6। अगेन टेक अ एकाधिकेन पूर्वेण साइन हेयर। नाउ इट विल बी 7 7 माइनस 7 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 2। इट्स वेरी इजी, नो नीड टू टेक परम मित्र डिजिट हेयर। देन इट विल बी 2। 5 माइनस 3, अगेन 2। 8 माइनस 9, इट इज नॉट पॉसिबल। नाउ वी हैव टू टेक परम मित्र डिजिट ऑफ 9। परम मित्र डिजिट ऑफ 9 इज 1। 8 माइनस 1 7। इफ यू यूज परम मित्र डिजिट टेक एकाधिकेन साइन हेयर। नाउ नंबर विल बी 1 1 2। 4 माइनस 2 इज 2। ओके, तो चलो आज हम बात करते हैं आगे के बारे में। इसकी सब्ट्रैक्शन का एक और महत्वपूर्ण पार्ट है, आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं अगर आर मिनट एंड सेकंड दिया हुआ हो। तो थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन उससे पहले एक बात और करते हैं कि ये जो वैदिक मैथमेटिक्स है इसका हम यूज क्यों करते हैं, क्यों इतना ज़रूरी है वैदिक मैथमेटिक्स को पढ़ना, क्यों 10th के सिलेबस में इसको दिया गया है आपको। तो इसके बारे में अपने को आप पता होगा वैसे आपको, फिर भी छोटी सी जानकारी देते हैं कि जब भी कैलकुलेशन को इजी करना हो, कम टाइम में करना हो, तो हम इसका यूज करते हैं। तो इसके कौन है मेन, तो स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ भास्कराचार्य, ये एक पूरा नाम है इनका, स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ भास्कराचार्य। इन्होंने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो देखते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण से ही करेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण से इसको करने से पहले एक बात और जाननी जरूरी है कि जब भी आर मिनट एंड सेकंड को सब्ट्रैक्ट करते हैं या एडिशन भी करते हैं तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है, जिसको मैंने यहाँ बॉक्स में नोट किया रखा है। तो फॉर टाइम सब्ट्रैक्शन वी यूज क्लोज फ्रेंड डिजिट एज सम ऑफ 10 नॉट सॉरी सम ऑफ 6 ओनली सम ऑफ 6। कहने का मतलब, अगर परम मित्र डिजिट 6 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर का सम क्या हो रहा है आपका यहाँ पर 6। 5 का क्या हो जाएगा 1, 4 का 2, 3 का 3। वेरी गुड, ओके। लेकिन यहाँ क्यों ज़रूरत है ऐसा, क्या करना पड़ा ऐसा, और क्यों यहाँ यूज़ कर रहे हैं ऐसा, इसके बारे में छोटी सी जानकारी हमें लेना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 60 सेकंड से ज़्यादा कभी भी सेकंड्स नहीं होते हैं, वो मिनट में कन्वर्ट हो जाते हैं अगर ज़्यादा बोला जाता है तो। और वैसा सेम मिनट के लिए भी होता है, वो 60 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो ये कहने का मतलब, यहाँ 6 न आए इसलिए क्या करते हैं हम, ऐसा वर्क करना पड़ता है अपने को। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मिनट्स और सेकंड के टेंस प्लेस पे हमें 6 या मोर देन 6 तो आ सकता है, लेकिन मोर देन 6 नहीं आना चाहिए यहाँ पर आपको। तो स्टार्ट करें, तो एक बार मैं उसके लिए सर्कल कर लेता हूँ अपने, और वर्बली अपने मान सकते हैं कि यहाँ पर एक सर्कल है कि यहाँ पर मोर देन 6 नहीं आना चाहिए। तो देखते हैं, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 7, इट्स नॉट पॉसिबल। देन यू टेक परम मित्र डिजिट ऑफ 9, दैट इज 1। देन 7 प्लस 1 इज 8। वी यूज परम मित्र, देन वी ऑल्सो हैव टू टेक द एकाधिकेन साइन हेयर। नाउ इट विल बी 5। 5 माइनस 5 0, इट्स कैन बी सब्ट्रैक्टेड। देन नो नीड टू टेक परम मित्र डिजिट फ्रॉम हेयर, इट विल बी 0। नाउ 4 माइनस 3, इट्स सब्ट्रैक्टेड। 4 माइनस 3 इज 1। 0 माइनस 2, इट इज़ नॉट पॉसिबल। इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल वी हैव टू टेक द एकाधिकेन सॉरी वी हैव टू टेक परम मित्र डिजिट ऑफ 2। परम मित्र डिजिट ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू यू मे बी 8, बट फॉर हेयर इट्स अ टेंस डिजिट, वी हैव टू टेक परम मित्र डिजिट ऑफ 2 इज 4। देन 4 प्लस 0, इट विल बी 4। वी यूज परम मित्र डिजिट, सो वी हैव टू टेक एकाधिकेन साइन हेयर अगेन।
then 5 plus 1, it will be 6. 6 subtracted from 3, not possible. Then you have to use parameter digit again here. Then parameter digit of 6 is in R, 6 is 4. Then 4 plus 3, 7. We again use parameter digit, so again take a ekadikin sign here. Then 1, 2, 2 minus 2 will be 0. Then answer will be 7 hours, 41 minutes, and 8 seconds. एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं ताकि ये कंसेप्ट पूरा अपने अच्छे से क्लियर हो जाए. तो देखते हैं अगेन यूनिट टेंस डिजिट एंड टेंस डिजिट ऑफ मिनट एंड सेकंड. यहाँ पर अपने को परिमित्र कहाँ से लेना है, 6 से लेना है, ठीक है, जिनका योग जिनका सम 6 हो. देन 7 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, परिमित्र डिजिट ऑफ 8 इज 2, 2 प्लस 7 9, पुट एक अधिक इन साइन, इट विल बी 3, 2 माइनस 3 नॉट पॉसिबल, परमित्र डिजिट ऑफ 3 इज 3, 3 प्लस 2 5, अगेन साइन एकाधिकेन, इट विल बी 8, 9 माइनस 8 1, इट कैन बी सब्ट्रैक्टेड, नो नीड टू पुट साइन एकाधिकेन, 3 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, देन परमित्र डिजिट ऑफ 4 इज 2, 2 प्लस 3 5, अगेन यूज एकाधिकेन साइन, 4 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, परमित्र डिजिट ऑफ 5 इज हेयर 5, बिकॉज वी हैव टू टेक ओनली मिनट एंड सेकेंड्स टेंथ डिजिट अकॉर्डिंग टू 6 and other are according to 10. Then 4 minus 5 not possible, then parameter digit of 5 is 5, 5 plus 4 9, okay, again sign, 5 minus 3 2 and 1 remain same. So 129 hours 51 minutes and 59 seconds. Good. लेकिन ये जब किलोमीटर मीटर एंड सेंटीमीटर के लिए आपको करना हो तो ऐसा कोई नया इफेक्ट नहीं पड़ता है इसके ऊपर, अकॉर्डिंग टू 10 ही लेकर चलते हैं. लेकिन छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं. 3 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, देन परमित्र डिजिट ऑफ 7 इज 3, 3 प्लस 3 6, एकाधिक इन साइन, इट विल बी 5, 2 माइनस 5 परमित्र डिजिट इज 5, 5 प्लस 2 7, अगेन एकाधिक इन साइन, 4 माइनस 7 नॉट पॉसिबल. अगर पॉसिबल ही नहीं है तभी परमित्र डिजिट को आपको यूज करना है. अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो होने दीजिए उसको. तो 4 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, देन 7 परमित्र डिजिट ऑफ 7 इज 3, 3 प्लस 4 7, अगेन पुट एक अधिक इन साइन, इट विल बी 8, 5 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, परमित्र डिजिट ऑफ 8 इज 2, 2 प्लस 5 7, अगेन एक अधिक इन साइन, इट विल बी 10, इट विल बी 10, देन 3 माइनस 10 नॉट पॉसिबल, परमित्र डिजिट ऑफ 10 इज 0, 0 प्लस 3 3, अगेन पुट एकाधिक इन साइन, 2 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, परमित्र डिजिट ऑफ 5 इज 5, 5 प्लस 2 7, एंड अगेन पुट एकाधिक इन साइन हियर, देन 1 माइनस 1 इट 0. तो 73 किलोमीटर, 77 मीटर एंड 76 सेंटीमीटर इज योर आंसर. यही सेम वर्क आपके किलोग्राम, ग्राम और मिलीग्राम भी अगर चाहें तो उसी के लिए भी सेम रहेगा. तो ये आपका DIY है, आपको सेल्फ करना है, डू इट योर सेल्फ सेम मेथड से. आज मैं चाहता हूँ कि आपको ये टॉपिक और छोटा सा क्लियर करा दूँ इसी एकाधिकेन पूर्वेण के मेथड से आपको. तो मल्टीप्लाई का एक बहुत सारे मेथड होते हैं जिसमें पहला मेथड आपका एकाधिकेन पूर्वेण. लेकिन इस मेथड को समझने से पहले छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं, इनके दो इंपॉर्टेंट रूल को समझते हैं. तो इन दिस मेथड वी कैन मल्टीप्लाई ओनली दोज नंबर, यहाँ नंबर का मेरा मतलब है चरम डिजिट से. चरम डिजिट कौन से, इनके जो लास्ट डिजिट कहलाते हैं, हुज सम इज 1, 10, 100, 1000 एटसेट्रा. सिमिलरली सो ऑन जितने भी हो सकते हैं. पहले काम तो ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट, तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे इस मेथड से अपने. दूसरा काम, अब जो नंबर्स का सम 10, 100, 1000 आ चुका है, उनके अलावा जो नंबर बच गए हैं आपके, वो नंबर्स क्या होने चाहिए, आपके सेम होने चाहिए, तभी आप कर सकते हैं. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इसको, इस बात को समझने के लिए. 43 × 47, तो इनके जो लास्ट डिजिट है वो है 3 और 7. तो 3 + 7 का सम करें तो सम का 10 हो रहा है आपका यहाँ पर, अच्छी बात है. लेकिन रिमेनिंग सेम है क्या, हाँ सेम है. तो इसका मतलब इन दो नंबर्स की आप मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं. सेम वर्क यहाँ पर भी देखेंगे आप, 8 और 2 का सम क्या हो रहा है आपके पास, 10 हो रहा है, अच्छी बात है. लेकिन जो रिमेनिंग नंबर है इनका सम सेम है, सॉरी नंबर जो सेम है, हाँ
तो इसका इनकी मल्टीपल आप कर सकते हैं। लेकिन एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको कि इनका नंबर्स का मल्टीपल हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। जैसे नंबर लेता हूँ मैं आपके यहाँ पर 4417 इंटू 583। देखो कैसे 7 और 3, सर सम तो 10 हो रहा है इनका, ठीक है, लेकिन जो नंबर रिमेनिंग है क्या वो सेम है? तो इस कंडीशन में अपन इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए नेक्स्ट स्टेप यूज़ करते हैं कि इनके लास्ट टू डिजिट का सम चेक करते हैं। तो 17 और 83 का सम चेक किया तो सम क्या आ गया इनका 100। लेकिन एक और कंडीशन चेक करनी है कि रिमेनिंग क्या होने चाहिए आपके, सेम, क्या सेम है? नहीं है। तो इसका मतलब इसकी मल्टीप्लाई आप इस मेथड के थ्रू नहीं कर सकते हैं। तो उसको समझने से पहले एक बात और ध्यान दें कि क्या पैटर्न है इसका, कैसे करा जाता है। हाँ एक बात और, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इसको और बेल आइकन को दबाना न भूलें। तो करते हैं देखो पहला क्वेश्चन 43 × 47। तो पहले चेक करते हैं इनका सम 10 हो रहा है, 3 और 7 सम 10 हो रहा है, गुड। एंड रिमेनिंग डिजिट विल बी ऑल्सो सेम, होना ही चाहिए। तो इट विल बी 4 एंड अगेन इट विल बी 4। तो इसका मतलब ये रिमेनिंग डिजिट भी आपकी सेम है। तो इसका मतलब इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। तो देखते हैं मेथड का नाम क्या था आपका, एकाधिकेन पूर्वेण, एक अधिक। तो यहाँ पर एक अधिक का यूज होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहले हम दो कॉलम बनाएंगे, LHS और RHS, और RHS में उन्हीं नंबर्स की मल्टीप्लाई की जाएगी जिनका सम 10 हो रहा होगा। तो 3 + 7 का सम 10 हो रहा, तो इनकी क्या करनी है यहाँ पर, आपको मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन जितना मेरे को अपना एक्सपीरियंस है तो उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं एक बताता हूँ बात कि मोस्टली बच्चे यहाँ पर भी इनका सम कर देते हैं। तो प्लीज़ हमें इस बात का याद रखना है कि यहाँ पर हमें इनका क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। और नंबर्स रिमेनिंग क्या हो गए हैं, 4। कोई भी नंबर ले, दोनों 4 सेम ही है। तो एक नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसका एकाधिकेन करना है। तो एकाधिकेन कैसे करेंगे, उस 4 के ऊपर क्या लगा देंगे, एक डॉट लगा देंगे। तो 4 इट विल बी 5, ये क्या बन जाएगा आपका 5। देन 4 5 जा 20 एंड 3 7 जा 21। लेकिन यहाँ तक आपका आंसर ख़त्म नहीं हुआ। देखो मैंने इसलिए यहाँ पर एक शॉर्ट में एक लाइन लिख रही है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपके, केवल यहाँ तक आ जाने से आंसर एंड नहीं होता, मे बी यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाए। तो यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना है कि जो RHS वाला कॉलम है, ये जो लास्ट कॉलम है आपका, इसमें डिजिट्स कितने आने चाहिए, इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है इस क्वेश्चन के अंदर, इस मेथड के अंदर। तो देखते हैं यहाँ पर 0 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। तो जितनी बार यहाँ पर 0 है उसके डबल टाइम डिजिट क्या आने चाहिए इस कॉलम में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0 एक बार आया है तो 1 × 2 2, यहाँ 2 डिजिट्स मिनिमम होने ही चाहिए। अगर 2 डिजिट्स यहाँ पर नहीं हैं तो एक 0 इस नंबर के आगे लगाकर करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अगर ज़्यादा डिजिट आ गए हैं तो एक नंबर को अपन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आगे भेज देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो फिलहाल अभी यहाँ पर डबल डिजिट्स हैं, यहाँ पर 1 के डबल 2 होता है तो है, तो इसका आंसर अभी राइट ये हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं 102 और 108। तो सम चेक करते हैं पहले, 2 और 8 10 हो गया, मतलब कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ अभी तक, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई है, चेक करेंगे पहले उसको। रिमेनिंग डिजिट विल बी सेम, क्या डिजिट रिमेनिंग सेम आ रहे हैं इनके, जी। तो इसका मतलब इसको सॉल्व अपने यहाँ पर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, दो कॉलम बनाएंगे, LHS और RHS। RHS में क्या करना है, जिनका सम 10 हुआ है उन्हीं की मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर करनी है। तो 2 × 8 करना है यहाँ पर आपको, जैसे मैंने किया है। और जो नंबर यहाँ बच गया है, जो रिमेनिंग था, उसको लिखकर क्या करना है, उसका एकाधिकेन करना है। अब मैंने एक स्टेप कम कर दिया यहाँ पर, वो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए किया था। तो डायरेक्ट कर सकते हैं 10 का एकाधिकेन क्या होगा 11, जैसे 12 का कितना होता है 13, उसका नेक्स्ट नंबर लेना है बस। तो देखते हैं, तो 11 × 10 क्या हो जाएगा आपका 110 एंड 2 8 जा कितना हो गया 16। ऐसा कभी मत सोचना कि नंबर बड़ा है तो यहाँ पर बड़े नंबर आएंगे। क्या तरीका बताया था मैंने, 0 कितनी बार है, 1 बार, 1 का डबल 1 का डबल 2, तो यहाँ 2 डिजिट ही आएंगे। तो फिलहाल 2 डिजिट है यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं 112 × 188। तो देखते हैं पहला तरीका, इसके लास्ट डिजिट पर चेक करते हैं, चरम डिजिट जिनको कहते हैं अपन। तो 2 और 8 का सम क्या हो रहा है 10। तो सर कर सकते हैं, मैंने कहा यस कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए, क्या 18 और 11 सेम है, सर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे, 12 + 88 इनका सम क्या हो रहा है 100। तो इसका मतलब हम इसको कर सकते हैं।
लेकिन सर अभी तक इंडेक्स वापस चेक नहीं किया आपने, तो देखते हैं इसका, वन और वन रिमेनिंग डिजिट क्या हो गए इनके, सेम हो गए हैं, तो इसका मतलब इनको कर सकते हैं। तो वापस दो कॉलम बनाते हैं। आरएचएस में क्या करेंगे, जिनकी मल्टी जिनका सम 100 हुआ है उनकी यहाँ क्या करनी है आपको, मल्टीप्लाई करना है उनका। तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे लिख दिया बस, कर देंगे मल्टीप्लाई। और जो डिजिट बच गया है वन, तो इसका एकाधिकन क्या होगा, टू, तो टू वन जा टू, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 एट जा 96, कैरीज 9, 12 एट जा 96 प्लस 9 105। अब आपका आंसर नहीं आया, ध्यान रखना, क्या चेक करना है, जीरो कितनी बार है यहाँ पर, टू टाइम्स, टू का डबल 4, तो यहाँ कितने जीरो होने चाहिए, 4, अगर 4 है तो गुड एंड वेल, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, 21056, इट विल बी अवर आंसर। तो एक क्वेश्चन और आपके लिए दे रखा हूँ मैं, DIY, ये चलो एक और करा देते हैं, DIY 200 देते हैं आपको। इसको कैसे करेंगे ध्यान दें, सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे 5 और 5 सम क्या हो रहा है, 10, लेकिन क्या रिमेनिंग डिजिट सेम है आपकी, नहीं है, तो इसका मतलब दो दो डिजिट चेक करेंगे पीछे से, लास्ट टू डिजिट्स, तो 5 प्लस 95 इट विल बी 100 एंड रिमेनिंग डिजिट विल बी ऑल्सो सेम, देन वी कैन डू इट बाय दिस मैथड, मैथड इज कॉल्ड एकाधिकेन पूर्वेण। तो देखते हैं कैसे करेंगे, जिनका सम 100 हुआ है उनकी क्या करनी है आपको यहाँ पर, मल्टीप्लाई, और जो नंबर रिमेनिंग सेम था उसका क्या करना है आपको, एकाधिकेन, तो 2 3 जा 6 एंड 5 5 जा 25, कैरीज 2, 5 9 जा 45 प्लस 2 47। देखो यहाँ पर आपका इक्वेशन आ गया है जो कन्फ्यूज करने वाला है, यहाँ पर आपका आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि क्या बताया था मैंने, जितने जीरो हो उसके टू टाइम डिजिट RHS कॉलम में आते हैं, तो जीरो कितने, 2 2 2 जा 4, तो यहाँ पर 4 तो नहीं है, तो 4 करने पड़ेंगे। 4 कैसे करेंगे, अगर यहाँ 3 डिजिट है तो यहाँ क्या लगा देंगे, एक जीरो लगा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 60475। तो आज आपके लिए मैं दो क्वेश्चन लेके आया हूँ, और ताकि आप इनको सॉल्व कर सकें, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो देखते हैं क्वेश्चन आपका 1007 एंड 1993, तो इसके लिए आपको हिंट भी दे रखी है मैंने कि इनका सम जो है 1000 होगा। एक क्वेश्चन और दिया सिंपल, 41 × 49, इनका सम होगा आपके लिए 10। अगर आप इनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत तो आप उसको पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, थैंक यू।